राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, क्यों रखा जाता है हर समय लड्डू गोपाल जी के सामने जल? तो फ्रेंड्स, जल इसलिए रखते हैं लड्डू गोपाल जी के सामने कि वो बाल स्वरूप है, छोटे से लाला है, अगर उन्हें प्यास लगे दिन में तो वो जल पी लें। यह हमारा भक्तों का भाव होता है। वृंदावन में भी ठाकुर जी के मंदिर में एक लुटिया में जल हमेशा रखा रहता है ठाकुर जी के पास, जिससे कि उन्हें प्यास लगे तो वो पी ले। क्योंकि देखिए, सब मंदिरों में घंटी होती है, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में घंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले से श्री हरिदास जी का यह भाव रहता था कि वो मेरा छोटा सा 2-2.5 साल का लाला है, कभी वो उठ ना जाए, कोई अगर घंटी ना बजा दे तो वो उठ जाए। वो विश्राम करते हैं, छोटे से लाला हैं, सोते हैं, बैठते हैं, कोई उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए उस मंदिर वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में कोई भी घंटी नहीं है। हर मंदिर में घंटी है, वहाँ पर कोई घंटी नहीं है। केवल जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर शंख बजाया जाता है और घंटी बजाई जाती है। बस केवल साल में एक दिन जन्माष्टमी के दिन घंटी और शंख वहाँ पर बजाया जाता है, अन्य दिनों में वहाँ पर घंटी नहीं बजाई जाती है, ना वहाँ पर घंटी लगी हुई है। ये भाव है वहाँ के पुजारियों का कि हमारे लाला उठ ना जाए, बार बार भक्त आते हैं और घंटी बजा देते हैं, लाला विश्राम करते हैं तो उनकी विश्राम पूरा नहीं होता है, तो ये भाव होता है। इसी तरह हम भी अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल जी के पास मंदिर में जल भर कर रखते हैं, जिससे कि हमारे लाला को प्यास लगे तो वो पानी पी लें। तो इसलिए अपने ही लड्डू गोपाल जी के पास जल जरूर भरकर किसी भी गिलास या लुटिया में रखना चाहिए, और मन का भाव ये रखकर रखें जल को कि हे कान्हा जी, ठाकुर जी, मेरे लाला, अगर तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम जल ले लेना, ये मन का भाव रखना होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी के पास में जल भरकर जरूर रखा जाता है कान्हा जी के पास। राधे 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 कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की, जयपाल गोपाल की।